जय जय राम सचिदानंद भगवान की सनातन धर्म की बहुत प्रसन्नता है कि आप अपने लक्ष्य के पूरा करने के लिए सप्त तो सोपानों की सात सीढ़ियों की चर्चा सुनेंगे जिसमें पहली सीढ़ी आपने सुन ली सभी कर्म करते हैं पर कुछ पाने के लिए इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य ये कहते हैं कि निष्काम कर्म करो चित्त शुद्धि के लिए जो अगली सीढ़ी है क्यों सेवा करो चित्त शुद्धि के लिए जब आप चलेंगे तो क्रम से सीढ़ियां आती जाती हैं पर उसमें थोड़ा ध्यान जाए कौन ऐसा है जो कर्म नहीं करता पूजा करते हैं पाठ करते हैं यज्ञ करते हैं दान देते हैं पर हम उससे चित्त को शुद्ध नहीं कर पाते बल्कि अशुद्ध कर लेते अधिकतर अधिक काम करने वाले लोग चित्त शुद्ध नहीं करते क्योंकि हमारे आसपास भी सब लोग रहते हैं सेवक परशुराम ने लक्ष्मण को उस प्रकरण में कहा था जब धनुष भंग हुआ कि सेवक सोई जो करे सेवकाई सेवक तो वो है जो सेवकाई करता है और तुम तो हो आरी करनी कर दुश्मन की तरह व्यवहार किया और लड़ाई करते हो और कहते हो सेवक आप जिसकी सेवा करते हो लड़ते तो नहीं हो जिस किसी की भी करते हो उससे नाराज तो नहीं होते रामायण में भक्ति की भी का वर्णन है उसमें भी है प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा और तीसरी गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान निर्माण मान के लिए नहीं वैसे तो किसी पाने के लिए नहीं अपेक्षा नहीं मुझे तो सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है आप भी जरा ख्याल करें सुबह से शाम तक कर्म तो सब करते हैं पर कोई मान पाने के लिए कोई स्वर्ग पाने के लिए या जिससे करते हैं उससे ही अपेक्षा हो जाती है नहीं उससे होते तो उसके माँ बाप से हो जाती है यदि बच्चे की की तो उसके माँ बाप से या यहाँ के लोगों की ली की तो भगवान से अपेक्षा कि स्वर्ग हमें देवे और आपने पहले जो चार चीज़ें सुनी हैं कि स्वर्ग में सुख नहीं समझे सुख को और कहीं से पाने की चेष्टा ही ना करें स्वर्ग से पाना चाहते हो ना देखो स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो तो क्यों यहां सुख नहीं है वहां है इसका मतलब आप अपने सुख की तरफ ध्यान नहीं है वस्तु के जगत के सुख की तरफ है तो यहां से नहीं वहां से मिलेगा तो हमारी जो भाग दौड़ है वो कोई ना कोई अनात्म सुख जहाँ जाया जाता है जिसको पाया जाता है जो मेरे से अलग और दूर है और अपना आप सुना ना अपना आप अपने आप से कितनी दूर रहता है अपना आप मैं ऐसे कहा करता हूँ इसी को समझाने के लिए एक बार जल्दी में लड़ाई झगड़ा हुआ तो लोग भागे तो सामान छूट गया किसी का आपका तो कभी नहीं छूटता ना जल्दबाजी में सामान छूट गया कभी कभी भीड़ भाड़ में अपना बच्चा छूट गया पर आप जहां हैं क्या आप अपने से छूट गए कितना ज्यादा भगोगे कि आप अपने से छूट जाओगे आप तो हो गई ही ना या लोग भगे तुम तुमसे लोग छूट गए तुम लोगों से छूट गए ऐसा हो जाएगा ऐसा सूचनाएं सभा में होती हैं कि किसी का ये लड़का खो गया है जिसका हो ले जाए तो कई लोग फिर संभाल के बोलते हैं इसके माँ बाप खो गए हैं लड़का यहाँ है जिसका हो ले जाए लड़का तो यहाँ मिल गया है खैर तो आप क्या अपने को भी खो सकते हो कभी पर वेदांत तो यही कहता है कि यही नहीं समझ है कि हमने अपने को कभी खोया नहीं खोया जा सकता नहीं और सुख अपने में है ये ये समझ और फिर चलना तो चलने के लिए क्या बताया कि आप कोई कर्म स्वर्ग जाने के लिए मत करना अपने घर जाने के लिए करना सेवा करके कहा जाओगे मान में नहीं अटकोगे किसी के अपेक्षा करके वहां मन नहीं अटकाओगे सेवा करके अपने घर रहोगे अपेक्षा तुमको द्वेष भी अटका देता है राग भी अटका देता है बैर से भी आप वहां अटक गए और उसकी आसक्ति से भी अटक गए आप अपने घर नहीं आते हो यदि उससे अपेक्षा करके सेवा की तो यद्यपि वो, वो सेवा ही नहीं है पर चूंकि आप लोग कहते हो इसलिए मैंने भी बोल दिया आप जो काम करते हो अपेक्षा से करते हो सेवा भाव से नहीं करते ये समझो साधना का सूत्र है और इतना ही ख्याल रखना है और कितना करना है सेवा कितनी करनी है कितना दान देना है कितनी सेवा करनी है ये तो नहीं कहा सेवा करनी है अ सेवा करनी है अर्थात सेवा भाव से जितनी करने में आप सक्षम हैं ज्यादा की सोचते हो तो उसमें भी कई बार सेवा नहीं होगी कुछ पाने का ख्याल होगा नाम पाने का बाहवाही पाने का तो क्या होगा ज्यादा करते हो अति करते हो जैसे इनाम पाने के लिए लोग ज्यादा दौड़ते एक आदमी तो जोर से बोझ उठाया तो उसका हार्ट हार्टई छाती फट गई अंदर से ज्यादा वजन उठाया तो ये कठिन भी नहीं है आज के सूत्र में सुना कि सेवा वो है जो कठिनाई भी नहीं होनी कठिनाई इतनी है कि कभी सेवा का लाभ आपने सोचा ही नहीं सेवा से और कुछ लाभ की कल्पना तो की है पर सेवा से चित्त शुद्ध होगा सेवा से मैं अपने घर जा सकूंगा अपने घर काम करके कोई घर नहीं जाता काम करके तो अटक जाता है सेवा करके जाएगा चित्त फंसेगा नहीं संसार उसे छोड़ देगा नहीं पकड़ेगा भगवान ने कहा नमाम लिमपंति, नमे कर्म फलेश प्रिया मुझे इस कर्म से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं होते नमाम लिम्पंती भगवान ने गीता में कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि बिंदंति मानवा अपने कर्म से भगवान की पूजा करो यज्ञार्थ यत्र लोको यम कर्म बंधन वही कर्म बंधन होते हैं जो यज्ञ के लिए नहीं किए गए यज्ञ की तरह नहीं किए गए तो कर्म यज्ञ बन जाता है कर्म सेवा बन जाता है और सेवा ही बनाना है भगवान ने कहा कि तुम कर्म मत छोड़ना हा भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम कर्म के द्वारा कर्म फल का हेतु मत बनाना अपेक्षा मत करना कर्म से अपेक्षा नहीं कोई फल की तरफ नजर नहीं हो सेवा भाव से करना और उसका लक्ष्य हो कि इस सीढ़ी से मुझे अगली सीढ़ी में किधर की तरफ स्वर्ग की तरफ को सीढ़ी नहीं है ये अच्छा जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं ना उसी सीढ़ी से उतरते हैं कि नहीं तो देखो यहां अपने अपने लक्ष्य तक गोल तक अपने घर तक सुख स्वरूप आत्मा तक पहुँचने की सीढ़ी है इसमें उतरना है चढ़ना नहीं आप चढ़ना कहो तो चढ़ना कहें दो बातें ही है यदि आत्मा ऊपर रहती है तो चढ़ जाओ यदि भीतर रहती है तो बाहर से धीरे धीरे औरों से छुट्टी पाओ जाओगे और से छुट्टी पाओ पहले बाहर से इंद्रियों पर आ जाओ आ, इंद्रियों का भी उपयोग सेवा में करो मन का उपयोग भी सेवा में करो बुद्धि का प्रयोग भी सेवा में करो तो कहीं फंसोगे नहीं लौटाओगे अपने घर पहुंच जाओगे आ, और शब्द बड़ा थोड़ा पेचीदा है घर कहो चाहे अपने को ही पा जाओगे क्या अपने को आपने खोया हुआ है हाँ वैसे अभी कहा कि आप तो होंगे ही चाहे जाओ वही तो अभी पता नहीं चलता यह पता भी तभी चलेगा कि अपने आप को कभी खोया नहीं जा सकता आत्म सुख खो भी नहीं सकता आत्म सुख पाना भी नहीं पड़ता पर चूंकि अभी अनात्म सुख में उलझे हुए हो अनात्म सुख में अन्य सुख में अन्य की अपेक्षाओं में फंसे हो इसलिए आत्मसुख का आविर्भाव नहीं है आत्म सुख का पता ही नहीं चलता कल कहा था हमने यह सुबह सबकी गठरी लाल है। कोई नहीं कंगाल अविनाशी सुख अपने आसन निज सुख बिन मन लाही की थीरा अब मन को सुख बाहर से चाहिए तो थिर कैसे होगा कहीं वहां जाएगा कहीं वहां जाएगा कहीं वहां जाएगा स्वर्ग तक भागा फिरेगा इसलिए आ ब्रह्म भवान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन ब्रह्म लोक तक के सुख की बात सुनकर जाने की इच्छा मत करना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये तूने स्वर्ग की बातें जो सुनी ना इमाम पुष्पिताम बाचम प्रवदंती न प्रवदंती न तो ये जो बाणी तूने सुनी है लुभावनी और स्वर्ग के लिए मेहनत कर रहा है कहीं जगह में जाना चाहता है भाई तू तो यहां भी है वहां भी तो तू अपने में सुख है कि स्वर्ग में या इस समय भी इसमें है या तुझ में इंद्रियों में है कि तुझ में देह में।, में है कि तुझ में इनमें है कि तुझ में पर अभी सुनो अभी उन्होंने कहा सुनो अभी ये बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी और एक पल्ले पढ़ भी जाएगी तो सुनते समय अच्छा लगेगा क्योंकि आपने स्वपना देखा है सत्य का उस सत्य का स्वप्न देखा क्रम से तो गए नहीं जैसे कोई कल्पना की शादी कर ले वे में शादी कर ले स्वप्न में धनी बन जावे जागे तो फिर क्या है ठीक है ना तो कहीं जाने का स्वप्न नहीं देखना सचमुच जाना है एक एक जगह छोड़ना है तो उसकी पहली सीढ़ी क्या बताई सेवा किसकी इसी की जिसकी जरूरत है बिना अपेक्षा के या इसको यह समझो कि यह सेव्य है यह सेव्य है जो मेरे सामने है यह सेव्य है सेवक सेव्य भाव भी नहीं सेवक सेव्य भाव के बिना सेवक के अंदर जब तक सेवा का भाव ना हो तो संसार से पार नहीं जाता बड़ा सरल उपाय है आसान है करने का स्वभाव भी है करने की नेचर भी है पर दूसरी नेचर अंदर छिपी है इसलिए पहले कि आपको अपने सिवा कुछ पाना नहीं अपने सिवा कहीं के सुख की तरफ ध्यान नहीं देना कि इनसे मिलेगा और भी अपेक्षाएं जैसे अभी आपने सुना सुख की आवश्यकता कई लोग और भी कहते हैं कई कहते हैं बड़ा होने की अपेक्षा है आपके अंदर तो बड़े भी आप बहुत हैं सुख ही नहीं आप इतने बड़े हो इतने व्यापक हो पर समझ में नहीं आता आप अपने को छोटा समझते हो और बड़े होने की कोशिश कर रहे हो इसलिए काम भी किस लिए करते हो बोलो जैसे अभी बात सुन रहे थे सुख के लिए यद्यपि बड़े होने में भी सुख ही मिलता है अभी आपको अपने में नहीं बड़े होने में सुख मिलता है तो आप किस लिए काम करते हो अभी स्वामी शब्द सुना था ना स्वामी आप काम करके क्या दिखाते हो बड़े हो गए और इसीलिए तुम काम करते हो तो बड़े होते हो तुम्हें मौका ना मिले काम करके वो जरा फेमस हो जाए बड़ा हो जाए तो भी तुम्हें परेशानी होती तो कहीं ना कहीं जैसे सुख के लिए ऐसे सुख भी आपका बड़ा होने में है इसलिए बड़े होने के लिए काम करते हो और सेवा में माने बड़ा होता है कि छोटा होता है बड़ा बन कर के सेवल यद्यपि जो सेवा करता है सचमुच बड़ा हो गया हो बड़ा होने की भूख चली जाए सेवा करते भगवान कृष्ण कहते पत्तल उठा लेते कुछ भी करके अहंकार ना हो इसलिए सेवा भाव आवश्यक है यो तो कई जगह रामायण में ऐसे शब्द भी हैं सेवक सुख चाहे और मान भिखारी भिखारी मान चाहे सेवक सुख चाहे अर्थात सेवक को थोड़ा झेलने को तैयार रहना चाहिए सेवा करने वाले को यद्यपि चाहे कहीं कुछ मिले पर पाने की अपेक्षा ही नहीं यदि सेवा से मान चाहते हैं ना तो न मिलने पर भी गड़बड़ हो जाता है इसलिए कहीं ना कहीं एक शब्द ही काफी है कि करने के बदले कुछ पाना नहीं है हमारे गुरु भाई दृष्टांत दिया करते थे मैंने भी शायद कभी यहाँ दिया है कि गुरु ने अपने चेले को आज्ञा दी कि इस पार्क की इन पौधों की सिंचाई करो नल था नहीं तालाब से पानी भर के सींचना था और टोकरी दे दी टोकरी और टोकरी भर के ले जावे, रास्ते में गिरते गिरते जब तक पेड़ तक पहुंचे टोकरी उल्टी करे पानी तो होता ही नहीं था लगातार लगातार करता गुरुजी आए कहते हैं क्या करता रहा कहने लगे आपकी आज्ञा पालन नहीं हुआ तो क्या कोई लाभ तो पौधों को हुआ नहीं पौधे तो बचे नहीं आपकी आज्ञा थी कि टोकरी से सींचना है मैं सींचता रहा मैंने कोई इसमें छलदम्ब नहीं किया तो कहते इसका लाभ क्या हुआ नहीं टोकरी नरम पड़ गई है साफ हो गई है टोकरी साफ हो गई है तो आपकी सेवा करते करते हां टोकरी तो यह साफ हो जाए यह होगी अशुद्धि क्या है चित्त में अशुद्धि क्या है चंचलता क्यों है बहिर्मुखता क्यों है पाने की अपेक्षा यदि पाने की अपेक्षा ना हो तो चित्त शुद्ध होता ही नहीं क्रोधी नहीं हो सकता ईर्षालु नहीं हो सकता ये तो सब पाने की अपेक्षा है इसलिए पाने की अपेक्षा के बिना सेवा करना याद रखना जैसे मंत्र याद रखते हो ना तो काम करते समय कौन सा मंत्र चलना चाहिए सेवक हो सेवक का क्या अपमान सेवक को क्या मान अभी कहते सेवक सुख चाहे सेवक सुख भी क्यों चाहे बस सेवा का मौका मिला है बस तो आ, आप जब भी काम करें सूत्र याद रखें मुझे तो लगता है कि यही याद नहीं रहता ऐसा कोई नहीं है कि सुबह से शाम तक काम नहीं करता लगता है सब परमार्थ कर रहे हैं सब सेवा में लगे हैं अभी अभी सुन रहे थे ना बड़े बड़े नेता भी यही कहते रहते मैं आपका सेवक हूं बोलते हैं ना पर वो बात परशुराम जैसी लागू होती है कई लोग तो लूटने की सेवा करते रहे। धन ही नहीं लूटा जाता यश कीर्ति के लिए भी काम करना कहीं ना कहीं है। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा अध्यात्म की ओर झुकाव बने कि मुझे मुक्त होना है मुझे बंधन से रहित होना है मुझे अपने घर का धन चाहिए किसी और का नहीं चाहिए ये ध्यान में रहना चाहिए ये अध्यात्म नित्यता है अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगेर गंत्य मूढ़ा पद्म्यंत इसलिए मंत्र है ये मंत्र जैसे कई मंत्र किसी ने बीच में कहा था मुझे तो सुनाई नहीं पड़ा मैं पीछे बैठा था कि श्वास में सुख मिलता है सुमिरन में वो झूठ नहीं है सुमिरन में मिलता है पर वो भी अभी आ, किसी का है श्वास का है एकाग्रता का है किसी और का है और वो एकाग्रता न रही तो फिर गया अभी ये मन पर खड़ा है आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि देह की मृत्यु क्योंकि मेरी सोचने की प्रक्रिया वेदांत की है उस तरह ज्यादा सोचता हूं तो हमारी मृत्यु क्या है देह का न रहना निन्यानबे प्रतिशत देह के अभाव को लोग मृत्यु समझते हैं अधिकतर लोग मन की ना होने को दुख समझते हैं हाँ मन की नहीं होती यही तो दुख है आम लोगों का तो इसका मतलब शरीर मुझे जीवन लगता है और शरीर का भाव मृत्यु मन का होना सुख लगता है और मन का ना होना दुख लगता है धीरे धीरे अमन होना है हमें मन भी नहीं चाहिए अपने लिए जैसे तन अपने लिए नहीं चाहिए कर्म अपने लिए नहीं चाहिए ऐसे ही मन भी हमें अपने लिए नहीं चाहिए क्योंकि मन भी हमें देता क्या है उलझाता ही तो है इसलिए और अभी तक हमने मन को क्यों पाला हुआ है और अंत में है अहंकार अहंकार अभी मेरी जिंदगी बना है उसको हम खुराक देते हैं एक संत से हमने सुना था कि ये खाता ही खाता है खाता ही खाता है खाता ही खाता है, खाता ही खाता है। अहंकार कभी खाके भरता नहीं सब कुछ पा जाए पर अहंकार अधूरा रहता है पाने की अपेक्षा बनी रहती इसलिए पाने की अपेक्षा कम होती जाए कम होती जाए खाना न मिले और किसी को मिल भी जाए देह को भोजन मिले कोई बात नहीं ये अहंकार को खाना न मिले और सबका किया यही खाता है दिखाई देती है आंखें खाती दिखाई देता है मुंह खाता दिखाई देता है और कोई खाता पर खाता अहंकार और अहंकार को खाना मिलेगा तो अहंकार मजबूत होगा फिर जब नहीं पाता बहुत तड़पता है एक बात मैं कहा करता हूँ कबीर साहब की कहता हूं कबीर साहब कबीर साहब कहते हैं पहले भी यहां कहा होगा कबीर साहब कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा आदमी अचंबे की बातें सुनते हैं कबीर साहब कहते हैं अचंबा है फिर भी मैंने देखा अब क्या करूं जैसे कोई हाथी को उड़ता देखे तो कहेंगे भाई हमने तो देखा तो किसी ने बताया कहने हमने तो सुना है फलान से किसी ने हाथी उड़ने की बात बताई तो किसी ने कहा भाई ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कह हमने देखी नहीं है हमने तो सुनी है किसी से तो कबीर साहब कहते एक अचंबा हमने देखा कुआं में लागी आग देखो कह आग लग गई ये कोई बड़ा अचंबा नहीं है उससे भी और अचंबा है पानी पानी जल गया देखो जैसे दूध उबालते हो तो पहले पानी पानी जलता है हमारे संतों ने भी उदाहरण दिया है कि पानी और दूध की दोस्ती हो गई पर जब संकट आया तो पानी खुद को जला दिया दूध की रक्षा करता रहा जब तक खुद रहा ऐसी दोस्ती आ? तो कबीर साहब कहते हैं एक अचंबा हमने देखा कुआं में लगी आग पानी पानी जल गया मछली खेले फाग आपने देखा कभी कि पानी जल जाए और मछली आनंद में हो संसार के सब सुखों में जिसमें हम जीते थे जिन जिन से अपेक्षाएं रखते थे उनमें आग लगा दी और ये जीव आनंद में रहता मछली खेले फाग अभी जिसमें हम मान की मछली हैं, काम की मछली हैं, सुख की मछली हैं, इसी में जीते हैं और जब नहीं मिलता तो तड़पते हैं आप तड़पते हो कि नहीं आ, क्या नहीं मिलता सुख जहां से ले रहे थे यहां तक जिसकी काम कर रहे थे उससे भी आशा ले रहे थे नहीं मिला तो तड़पते हो इसलिए सरल कुंजी है ये क्या आप अपेक्षा नहीं रखो आपके आपके आग भी लग जाएगी ना सब जल जाएगा सुख को आग लग जाए कामनाओं को आग लग जाए अहंकार को आग लग जाए फिर भी आप आनंद लें अहंकार को फूंक करके आनंद है क्योंकि अभी आत्मा नहीं अहंकार जिंदा है आह, आत्मा तो दबी है पता ही नहीं है अहंकार जीवित है इसलिए आप धीरे से चलो चलोगे तो पहुंच जाओगे बधाई है इसके लिए कि आप धीरे धीरे चलते जाओ चलते जाओ अपेक्षा मत करो आप अपने घर में भी जब जाओ ना तो धीरे धीरे अपेक्षा किसी इंद्रियों से विषयों की अपेक्षा नहीं करो तो घर पहुंचोगे अपेक्षा ही हमको पकड़ लेती है राग ही नहीं पकड़ता द्वेष भी पकड़ लेता है इसलिए रागत द्वेश भी इस तो। राग और द्वेष से रहित तो होकर सहज शुरुआत कहां से करोगे चूंकि अभी सुना था ना जहां हम खड़े हैं आप काम करते रहते हो वहीं से शुरू करो निष्काम निस्वार्थ और अपेक्षा के बिना सेवा करो नहीं सेवक हो जाओ यह जरा गहरी बात है सेवक हो सेवक हो गे ना असल में आदमी चेला नहीं होता गुरु का भी गुरु ही बनता है भगवान का भी भगवान बनता है सब जगह मालिक और पति ही बनता है पत्नी के ही पति नहीं होते आप तो जानते हो ना मनुष्यों के भी मालिक पति जैसे सभापति होते हैं सब जगह पति बनने का मालिक बनने का शौक रहता है सेवक बनोगे तो मालकियत की इच्छा खत्म हो जाएगी और जब इच्छा खत्म हो जाएगी तो बिना चाह वाला आदमी तो मालिक हो ही जाता है ये सूत्र बिल्कुल उल्टा होता है चाहो तो न हो पाओगे और न चाहो तो हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी एक श्लोक बोला है आप पूरे बाणा चल प्रतिष्ठम समुद्रमापाह प्रविशंति यदव तद्वत्मा यम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी समुद्र में इतनी नदियां आती हैं और समुद्र तृप्त है संतुष्ट है क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं आती है आ जाए और ये कहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानी का हृदय आत्मवेदता का हृदय आत्मवेदता अपने अतिरिक्त अपने अंदर कुछ चाहता नहीं यद्यपि सारा संसार उसी के तो आश्रित है ये विधि जग हरी आश्रित रहाई ये सारा जगत तो हरि के आश्रित है सारी नदियां वर्षा तो आती ही घूम के है लेकिन फिर भी सागर को कुछ चाहिए नहीं इसी तरह ज्ञानी को भी कोई कामना नहीं करता फिर भी कमी कोई नहीं कुछ लोग सोचते हैं कि कामना की पूर्ति से कमी खत्म होगी कामना की पूर्ति से चाहे वो मान की है बड़े होने की है कामना की पूर्ति से कामना बढ़ती जाती है औ, और छोटापन बढ़ता जाता है समझ नहीं आता है। जितना ही कामना की पूर्ति की और पूर्ति करने का रस लेने लगे उतना ही हम अहंकारी बन गए सीमित बन गए सागर के बजाय सरोवर बन गए अब सरोवर को चाहिए पानी नहीं सूख जाएगा इस साल कई जिलों के तालाब सूख गए हैं वर्षा का अभाव रहा पानी सूख गया सागर नहीं सूखा सूख जाएगा ना वर्षा की कमी होएगी तो नहीं सूखेगा तो कामना वाला व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति कामना वाला व्यक्ति सरोवर बन जाता है और कामना रहित व्यक्ति सरोवर न रह के सागर बन जाता है अहंकारी जैसे हमने कहा था थोड़ा सा घड़ा बन गए तो स्वल्प जीवन स्वल्प देश अल्प देश अल्पकाल घड़े का है मिट्टी का व्यापक देश है और मिट्टी सर्वदेशी सर्व रूप है पर घड़ा एक रूप है हमारा अहम हमारा मैं असीम नहीं रहा केवल एक देशी हो गया क्यों हो गया कामना के कारण कल भी हमने कहा था कि स्वार्थ आदमी को सीमित कर देता है जब भी आप पाना चाहोगे तो व्यापक न रहे अधूरे हो गए ये चाह तुमको सीमित बना देती है अचाह तुमको असीम कर देती है मेरे गुरुदेव एक दोहा बोला करते थे चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह जिसको कछु न चाहिए सो साहन के साह और कहते थे चाह चमारी चूहरी हम तो पहले चूहरी जानते ही नहीं थे क्या होता है पंजाब आए तब समझे चूड़ी के लिए शायद कहा चाह चमारी चूड़ी पर वो आध्यात्मिक दृष्टि से ये व्यवहारिक नहीं किसी को बुरा लग जाए चाह चमारी चूड़ी सब नीचों की नीच तू तो पूर्ण ब्रह्म है चाह ना होती बीच यदि ये, ये बीच में तेरे ना होती तो तू ब्रह्म था पर अनात्मा को तूने पकड़ा देहाविमानी बना और ये इंद्रियां और मन बनाया और मैं अलग मान के इनको अपनी बनाया सबको अपनी नहीं बनाया कोई अपना बनाया एक घड़े को अपना कहते मैं कहते मिट्टी सिकुड़ गई यदि मिट्टी भी है मान भी ले मिट्टी है यदि वो अपने एक घड़े को मेरी मेरी कहती है ये मैं हूं ये मेरी है ये आकृति मेरी है तो बाकी आकृति किसकी है और यही आकृति तेरी है तो तू मिट्टी है क्या तू तो तो व्यक्ति बन गए जब एक ही देह मेरा है एक ही मन इंद्रियां मेरी हैं यही मन मैं हूं तो तू अहंकार है आत्मा का कौन देह मेरा कौन तेरा उस तक यात्रा करनी है यात्रा आपकी निषेध करते करते निषेध करते करते निषेधावधि ये, ये मैं नहीं ये मैं नहीं ये मैं नहीं ये मैं नहीं मैं नहीं वो सत, तो आ, मैंने तो सुना ही नहीं आज पहली बार सुना है बहुत अच्छा लगा है मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है तो देखो एक एक सीढ़ी तो एक से चलोगे तो धीरे धीरे क्योंकि अभी आप दे हो यही आप हो यहीं आप रहते हो ये आपके हैं तो अब ये हैं ये दुनिया है कहते थे ना कि आप कहाँ रहते हो तो यहीं तो रहते हो ना अभी वहाँ तो रहे नहीं रहे वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं कभी कभी गए तो सो गए यहाँ से तो चले गए वहाँ पहुँचे नहीं ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे नींद में गए ब्रह्मा मिला ही नहीं जहां थे वहां से चले गए अब जागे तो फिर आ गए क्योंकि सीढ़ी से नहीं गए सोपान से नहीं गए नहीं होश आवास में अपने घर पहुंच जाते आत्मा का पता चलता इसलिए एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली पहुंच गए जहां दुनिया नहीं थी जहां आंखें नहीं थी जहां कान नहीं थे जहां मन नहीं था जहां अहंकार भी नहीं था पहुंच गए थे ना जहां अहंकार नहीं था मन नहीं था वहां कोई तकलीफ नहीं थी तो देखो इतना तो समझ ही सकते हो कि एक ऐसी भी जगह है जहां दुनिया न थी पर कोई तकलीफ नहीं थी मुझे आपको तो थी बोलो आपको जब सारी दुनिया नहीं थी आपके ख्याल में और मैं मैं भी कुछ नहीं था उस समय आपको तो तकलीफ थी नींद में हमें तो नहीं थी हमारी समझ में तुम्हें भी नहीं थी वो जगह ही ऐसी है जहां मैं मेरा नहीं होता वहां कोई तकलीफ नहीं होती पर जो कोई होश आवास में वहां नहीं जाता तो एक्सीडेंटली नींद में गया एक्सीडेंटली फिर यहीं आ जाता है वो कोई सीढ़ियों से नहीं जाता इसलिए सोपान जरूरी है कई बार एकदम लोग छलांग लगा के मैं ब्रह्म हूं सोचते और फिर एकदम आदमी होके बड़बड़ा के गिर जाते हैं मरने लगते हैं फिर राग द्वेष मेरे तेरे में फंसते हैं क्योंकि एक एक अवस्था को क्रम से पार नहीं करते ठीक है इसलिए पहले एक मजबूत करो कि आज से हम स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करेंगे आज हाँ, सेवा करेंगे बस और स्वयं सेवक हैं हमको भगवान ने सेवा करने भेजा है यदि ये, ये उनका हुक्म पहचान गए आगे चल कर के आप करता भी नहीं पर जब तक करता हो अपने मतलब की करते हो पुण्य करते हो स्वर्ग के लिए करते हो बड़े कहलाने के लिए करते हो नहीं करता हो तो ठीक है वेदांति हो ठीक है ना पर करता हो करते हो और कुछ न किसी दृष्टि से करते हो तो बेईमानी मत करो यदि किसी अन्य पर्पज से करते हो तो अब क्या करो सेवा करो समझ में आ गई बात बस ये काम यदि करने लगो सेवा सेवक को अहंकार नहीं होता इसीलिए जितना गुरुओं को गुस्सा आता है मैं अपनी बात बताता हूं चूंकि हूं ना मैं गुरु गुरुओं को गुस्सा ज्यादा आता है चेलों को कम क्योंकि चेला बेचारे चेला है वो का गुस्सा करे अब आता है तो वो भी गुरु ही समझो जिस चेले को आ जाए वो भी गुरुई ही है अभी कह रहे थे ना कि डांटना व्यवस्था करना अब गुरु को तो डांटना पड़ता है राजा व्यवस्था करने वाले कर्मचारी को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी जज को फांसी देनी पड़ेगी फैसला करेगा तो इसी तरह से कई बार गुरुओं को तो गुस्सा करते देखा जाता है चाहे गुस्सा ना हो पर करते हैं, ठीक है है। ना? पर चेले भी कम नहीं है। कहते है अब तो हमने स्वामी जी से बोलना ही बंद कर दिया मैंने कहा धन्यवाद इसके लिए अब कई लोग थोड़े दिन सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे बिना तो इनका काम ही ना चलता अभी हनुमान जी की बात सुनी तो देखो जीवन को हाँ, सेवा बन कर, सेवक बनकर सेवक बनकर रहो काम कितना करो सब आप हनुमान हो जाओगे पूरे हनुमान लेकिन जरूरी नहीं कि हनुमान ने पहाड़ उठाया तो तुम उठाओ तुम सिल बट्टे उठा लेना बस बहुत है पर हनुमान हो सकते हो यदि सेवा के बदले कोई अपेक्षा नहीं है सबको मिला सबने कुछ मांगा लक्ष्मण को मिल गया भरत को मिल गया विभीषण को मिल गया कुछ और हनुमान जी को कुछ जरूरत ही नहीं ऐसा कितनी सुंदर बात अब तो इसलिए अच्छा आप बाकी बात फिर कल करेंगे पांच मिनट थोड़ा ध्यान करेंगे ठीक है बैठे बैठे खून जम जाता है ना तो फिर वो कल की तरह ऐसे कर लो आ, आ ऐसे कर ऐसे भी कर लो खून की चाल थोड़ी हो जाएगी और खून जम जाता है तो वो ठीक हो जाएगा कहाँ चलना है ध्यान में भी कोई अपेक्षा नहीं करनी बस आपको रहना है जैसे सेवा में अपेक्षा नहीं ध्यान में भी आपको अपेक्षा नहीं आप हैं इतना ही काफ़ी है श्वास में हैं तो यदि ब्रह्मा है तो कहीं नहीं नहीं पर श्वास में है जैसा पूछा था ना आप कहाँ हैं तो मैं भी कहूंगा ध्यान में आप इतना ही देखो अब आप कहाँ हैं भीतर हो कि बाहर हो आंख में हो कि कान में हो सुन रहे हो कि सोच रहे हो बस जब नहीं सोचना रहे तो कोई बात नहीं जब निर्विकल्प हो जाओ हो जाओ पर बेईमानी ना करो ना जहा हो तहाँ अब आप आंख बंद कर लीजिए श्वास को सहज लीजिए थोड़ा लंबी और कल आज सुबह मैंने कहा था ओम के द्वारा श्वास लीजिए बिना आवाज के जैसी भी ले पाओ मानसिक ओम से श्वास लीजिए और मानसिक ओम से श्वास छोड़िए और ये ख्याल रखिए कि अब आप कहाँ हो ओम जाप में हो श्वास में हो चैतन्य हो जड़ हो क्या हो जरा सोच सहज भाव से सजग रहते हुए एकाग्रता पूर्वक और ज्यादा जोर नहीं डालना सहज सहज योग राज योग, सरल जैसा कि आप सुन रहे थे अति प्रयत्न नहीं करना लंबी लंबी श्वास लेना लंबी लंबी छोड़ना ओम का संकल्प करना आपको कोई कठिनाई आवे तो सरलता जिसमें हो और एकाग्रता में भी बहुत आप सच्चे मन से कहाँ भटकना यहां हो तो यही रहो यदि यदि चंचलता आ जाए यदि मन आपका कहीं ले जाए तो चलो चले गए फिर आ गए बहुत संघर्ष नहीं करना सहज भाव से रहना मन से लड़ना नहीं है मन के साथ रहना है श्वास के साथ रहना है जाप चलना है मन में प्रसन्नता है चैतन्यता है सहजता है कोई भी ऐसी कोशिश मत करो जो तुम्हारी सोच से ज्यादा हो जिसपे तुम्हें बहुत मेहनत पड़े बहुत दिमाग लगाना पड़े ऐसा कोई काम नहीं करना आप सजग हैं आवाज आती है ठीक है स्वास्थ्य चलती है ठीक है मन में ओम ओम लेते में ओम छोड़ते में हो रहा है और आप पूरी प्रसन्नता से एकाग्रता से लगे हो या नहीं यदि एकाग्रता नहीं है तो क्यों नहीं है भाई इस समय कौन ज्यादा जरूरी काम है बस अंदर ही पूछ लो यदि ज्यादा जरूरी नहीं है तो कहो करो जब जरूरी हो तो वही कर लो मन से सलाह करके आ, मन की मन से सलाह मित्रता करो सहज भाव से प्रसन्नता सजगता चैतन्यता एकाग्रता कहाँ हो झूठ नहीं जहां हो और यदि आप श्वास में हो इसका मतलब आप देह नहीं हो हाँ देह तो है पर तुम तो श्वास में हो कोई आंख देह में आ गई क्या श्वास में क्या कान श्वास में आए क्या हाथ श्वास में गया नहीं शरीर तो जहां का ताँ है श्वास चलती है तुम श्वास में हो किसके सहारे मन के सहारे मन के सहारे श्वास में हो यदि अमन होते तो कहाँ होते और मन हो तो चलते हो देखो तुम जैसे कोई साइकिल में बैठ के व्यक्ति चलता है तुम मन के साथ हो मन तो मन के साथ चलते हो और मन रुकता है तो रुकते हो मन रुका तो रुक गए जैसे दिलीप कामधेनु के साथ नंदिनी के साथ चलते हैं गाय चलती है नंदिनी तो चलते हैं नंदिनी बैठती है तो बैठते हैं नंदनी की तरह के साथ छाया की तरह ऐसे ही तुम मन सहज आप क्या हो क्या नहीं हो ये अभी विश्लेषण मत करो हो और कहा हो बस और वेदांत का नहीं अभी बिना वेदांत के सहज जिसमें तुम्हें लगे हाँ यहाँ हूं दिमाग न लगाना पड़े बहुत पढ़ना न पड़े सोचना न पड़े आप श्वास चलती है यदि श्वास में आप उपस्थित नहीं होते या मन में नहीं होते तो मन का श्वास का पता न चलता ओम का संकल्प चल रहा है यदि तुम ना होते तो पता न चलता अब तुम हो अब प्रसन्न तुम्हें अपने होने में क्या तकलीफ कोई पाने का ख्याल नहीं है कोई खो जाने की कल्पना न करिए आपको कोई कष्ट नहीं गहरी नींद में कोई तकलीफ क्यों नहीं थी क्योंकि कुछ ना पाना था न खोना था न पाने खोने का कोई ख्याल था दुख तो पाने खोने की कल्पनाओं में है कामनाओं का जाल है उसे काट दिया सहज अपने घर में है सहज प्रेम से प्रभु का नाम लेते हुए श्वास श्वास में अभी अपनी विशाल स्थिति न सही पर मैं कहीं से तो आया अभी मैं इंद्रियों से बाहर भटकता था मैं भीतर आ गया देह में आ गया श्वास में आ गया मन में आ गया जाप में आ गया ओंकार के जाप में आ गया और मैं मैं कौन है अब इस जो मैं है ना इसमें ब्रह्म समाया है इस मैं में प्रभु छिपे हैं ये मैं और प्रभु ये मैं और प्रभु का भेद धीरे धीरे टूट जाएगा मैं मैं सीमित वो असीम मैं क्षणिक वो सदा सदा मैं क्षणभर चेतन वो नित्य चेतन मैं यहाँ वो सर्वत्र वो सर्वत्र है मैं यहाँ हूँ मैं चेतन कभी जड़ ऐसे ही लगता है ना मैं प्रतीति के अनुसार बोलता हूँ आपकी अनुभूति का सहारा लेके चलता हूँ मैं उस सत्य को अभी नहीं बोलता जो उपनिषद कहते हैं अभी तुम कभी सावधान हो कभी असावधान कभी चेतन कभी जड़ता इसलिए आप जो हो वही पहले स्वीकार कर लो मैं चंचल हूं ठीक है स्थिर हूं ठीक है जागा हूं ठीक है स्थिर हूं ठीक है नहीं हूं तो ठीक जैसा लगता है लगने दो फिर बाद में एक ख्याल करो कि सबका साक्षी कौन है इस परिवर्तन का साक्षी कौन बस एक मिनट इसी भावदशा में रहते हुए जो कुछ होता है जप सुमिरन श्वास क्रिया बाहर भीतर सब कुछ प्रतीत होने दो नहीं प्रतीत होता तो प्रतीती का आग्रह न करो और प्रतीत हो रहा है तो प्रतीत होना बंद हो जाए जगत का भासना बंद हो जाए ऐसा आग्रह मत करो मन रुक गया तो बहुत अच्छा है यदि चला जाता है तो उससे लड़ो मत चला जाता है आ भी तो जाता है आ जाएगा ऐसा मन जावे जो लौट के ना हो तो हम कहें जाता है है लौट आता सहज भाव में रहिए अवेयरनेस सजग रहिए चैतन्य रहिए प्रसन्न रहिए प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है प्रसन्न चित्त व्यक्ति बाहर नहीं भटकता अपने घर में रहता है अशांत लोग ही भटकते हैं दुखी लोग भटकते हैं पाने की लालसा में भटकते हैं जिनको पता चला मेरे घर में सब कुछ है इसलिए घर आने की साधना करनी है कुछ पाने की नहीं पाने की लालसा खत्म करने की साधना करनी है और बस अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए समय हो गया है यही समाप्त करते हैं